नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत में धर्मांतरण के विषय में लगातार तीसरे दिन हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं और आज हम आपको चर्च के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों, ये सवाल पूछ रहे हैं। हमने ईसाइत के साथ साथ इस्लामी धर्मांतरण और इस विषय पर जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आज हम पूरी तरीके से एक घंटे तक ईसाइत के धर्मांतरण पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं, भारत में भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन का मालिक अगर कोई है तो चर्च है। दुनिया में चर्च की अपनी एक अर्थव्यवस्था है और दुनिया के कितने ऐसे देश है जहां पर चर्च जो तय करता है वही होता है। यूरोप की अर्थव्यवस्था से लेके बाजारवाद को फैलाने के लिए धर्म का आधार लेने की आरोप लगने की प्रक्रिया कई सौ साल से शुरू हुई है और अफ्रीका एशिया से लेके तमाम देशों में आज भी जारी है। भारत में जहां पर किसी भी धर्म और पूजा पद्धति का स्वागत होता है, यहां पर भी चर्च ने अपना ना केवल सेवा का बल्कि खूंखार रूप दिखाने के भी 1 लाख से ज्यादा उदाहरण इतिहास में मौजूद है। ऐसे में इस विषय पर चुप्पी क्यों? और केवल कोई जब हिंदू धर्म में वापस आता है तो हो हल्ला होता है, लेकिन हिंदू से क्रिश्चियन बनता है तो हो हल्ला क्यों नहीं होता, क्यों चर्चा नहीं होती, क्यों 100% पारदर्शिता के साथ इस पर विषय नहीं होता? क्या यह टीवी चैनल के डिबेटों का विषय नहीं बन सकता? मैं आपको आज ऐसे कुछ खबरें भी दिखाऊंगा जो खबरें धर्मांतरण के बाद होने वाले राष्ट्रांतरण या संस्कृतिकरण के उदाहरण होते हैं। आइए इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक बेखो को बोलिए और आपके पास जो भी उदाहरण है, आंखों देखी है, जानकारी है, हमारे साथ साझा करिए। पहले मुद्दा, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं आगरा की। हाल ही में हिंदुओं की घर वापसी को लेकर जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक सियासी तांडव हुआ, वो किसी से नहीं छिपा। ये वो हिंदू परिवार हैं जो कभी अपने रास्ते से भटक गए थे और इस्लाम को मानने लगे थे, लेकिन जब वही हिंदू परिवार फिर से अपने पुराने घर में वापसी कर रहे हैं तो सियासी पार्टियां राजनीति करने लगी और एक दूसरे पर धर्मांतरण का आरोप मढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त कोई क्यों कुछ नहीं बोला जब हिंदू परिवारों को लालच देकर या जबरन उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जब कई गरीब हिंदुओं को क्रिश्चियन धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया था। आज भी ये धर्मांतरण का खेल बंद नहीं हुआ है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इसमें गाँव के कुछ लोग एक समूह बनाकर बैठे हैं और एक शख्स इनसे बातें कर रहा है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने वाला एक नुमाइंदा है, जो इन गरीब परिवार वालों को बता रहा है कि ईसाई धर्म हिंदू धर्म से ऊपर है। जो पहले इन सभी लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताता है और फिर उन्हें इस धर्म में आने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि जो भी परिवार ईसाई धर्म को अपनाएगा उन्हें अच्छी रकम भी दी जाएगी। आज भी अनेक आदिवासी परिवारों को लालच देकर उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जाता है। बात करें भारत के राज्यों की तो केरल और गोवा जैसे क्षेत्रों में आज ज्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं। एक सवाल जो ऐसे में यहाँ खड़ा होता है कि जब भारत शुरू से ही हिंदू देश रहा तो आज क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? इसका जवाब उस समय से जुड़ा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के सिलसिले में भारत आई थी और यहाँ आकर जब उन्हें ये पता चला कि भारत में सोना ज्यादा है तो उन्होंने भारत पर अधिकार करने का मन बना लिया। लेकिन अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते थे कि उनकी संख्या कम होने के चलते अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और गरीब हिंदू परिवार को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर करने लगे। उन्होंने लोगों को पैसे, नौकरी और कर माफी का लालच देना शुरू कर दिया। तभी से भारत जैसे हिंदू देश में क्रिश्चियन धर्म फैलने लगा। नई पीढ़ी भी क्रिश्चियन धर्म की पैदा होने लगी और आज भारत में क्रिश्चियन धर्म तीसरे बड़े धर्म के तौर पर सामने आया है। इतना ही नहीं, जब भारत का कोई व्यक्ति विदेशों में व्यापार करने जाता है और वहाँ के मूल की लड़की से शादी करने का निर्णय लेता है तो उस वक्त लड़की का परिवार भारत के लड़की के सामने शर्त रखते हैं कि वे तब इस शादी के लिए राजी होंगे जब वो अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म में आएगा। So,
What's your problem, Imran? Sir? Can't you find yourself a girl in your own community? Or are you just curious to know what children from mixed marriages look like? Great joke. I love Suzanne. I'm gonna marry Suzanne. I mean, I want to marry Suzanne. So what will it be, Imran? Would you prefer the name Emmanuel? Or would you like Ian, as in Ian Fleming? I don't really understand, sir. Suzanne? He's talking about changing your name, of course, from Imran to something more appropriate. I suppose you do understand that you have to be a baptized Christian to marry my daughter, right? Yeah, but of course, sir. And you have to provide me with a written statement clarifying that none of your family members are involved in terrorist activities. वक्त बदला, कानून बदला, लेकिन नहीं बदला तो धर्मांतरण पर रोक लगाने का सिलसिला। अगर धर्मांतरण का ये खेल इसी तरह चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब भारत में हिंदू धर्म पर खतरा मंडराने लगेगा। धर्मांतरण के इस खेल पर जल्द ही लगाम लगानी होगी और भारत को फिर से एक करना होगा, तभी भारत मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो अतिथि भी जुड़े हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी जुड़े हैं जो इस विषय पर सामाजिक काम करते हैं, और साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जैन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है धर्म रक्षक श्री दारा सेना के। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत करते कॉलर से, उनकी बात ले रहे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ जी सर, हमारी जो अभी मौजूदा व्यवस्था है वो 1200 साल की जो मानसिकता है ना, उसी की मौजूदा व्यवस्था है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के 3500 कानून तो अभी भी हैं। बिल्कुल। देश के अंदर, और जो मुगलिया संतरत रही ये 1200 साल की गुलामी का नतीजा ही है सर। हाँ। कि जो बुद्धिजीवी है ना अभी भी हमारे, बिल्कुल, वो सेकुलरवाद के गढ़ना गुलामिक मानसिकता से प्रेरित है वो, कि आजाद ये वो एक जानवर भी होता है ना सर, अगर वो आजाद है और उसे आप लंबे टाइम तक गुलाम रखोगे तो उसकी मानसिकता पे असर पड़ता है, तो वो फिर वो गुलामी की भी स्वीकार कर लेता है। तो वही हमारे कुछ जो अभी भी इतनी दहशत में है ये, कि अभी भी उसामा को उसामा जी करके संबोधित कर। मैं जितेंद्र खुराना जी के पास चलता हूँ। खुराना जी, इस विषय की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। आपने कॉलर की भी बात सुनी, हमने पैकेज में भी दिखाया, और इस विषय पर आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रिया पिछले कुछ दिनों से खास करके भारत में जिस प्रकार से आ रही देखी होगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, मैं छोटा सा एक आधे मिनट में बताना चाहूँगा कि इतिहास में जो कैथोलिक क्रिश्चियंस के जो उनके पोप्स हैं उनके ऑर्डर्स क्या हैं। 1095 सन में टेरा नुलियंस, डम डेवरस, रोमनस पॉन्टिफ्लेक्स, और इसके बाद 1845 में मैनिफेस्ट डेस्टिनी, ये सब एक ऑर्डर्स हैं किस प्रकार नॉन क्रिश्चियन लैंड्स को ढूंढा जाए। नॉन जो गैर ईसाई जमीन है, धरती है, सभ्यताएं हैं, उन्हें ढूंढा जाए और उनको ईसाई और क्रिश्चियन लैंड्स में बदला जाए। ये ऑर्डर्स हैं बकायदा, और ये डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर्स हैं। तो मैं आपको, और ये एक मिशनरी रिलीजन है, ये उनका एक स्वभाव है, प्रकृति में है। आप कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस की उनकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो उसमें यही वो कन्वर्जन, जैसे हम यहाँ पर ईश्वर की आराधना और मोक्ष की बात अधिक करते हैं, वो वहाँ कन्वर्जन की बात अधिक करते हैं। तो ये एक इतिहास है, संक्षेप। उसको नंबर बनाना भी कहते हैं। हाँ जी, मुकेश जी देखिए, मेरा तो यही मानना है कि हिंदुस्तान में ईसाइयत जो कुछ कर रही है वो हमारी इस धारणा को प्रबल करता है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। आज हमारा पूरा नागालैंड ईसाई बना, हमारा मिजोरम ईसाई बना, और ईसाई नहीं, ईसाई तो ऐसे नहीं बनते कि प्यार से ईसाई बन गया। हम लोग हिंदू लोग ऐसे धर्म के प्रति आस्थावान हैं, हम देश छोड़ सकते हैं, सिर कटा सकते हैं, किंतु हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। किंतु हमारे जिन लोगों को ईसाई बनाया गया, वहाँ पर पहले आतंकवादी खड़े किए जाते हैं, NSCN के मिजोरम में खड़ा किया जाता है, लालडेगा एक ईसाई आतंकवादी खड़ा होता है। इस तरह से एक आतंकवाद के बलबूते पर ये लोगों को जबरन ईसाई बनाते हैं, या तो मार डालते हैं। अभी त्रिपुरा में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है कि आप ये दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, ये दुर्गा पूजा करते हो, अभी दुर्गा पूजा तो में वहाँ की बात बोल रहे हैं।
मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि बेंगलुरु में एक स्कूल में एक बच्ची ने, छात्रा ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उसके स्कूल ने उसको होली मनाने पर सजा दी थी। और ये बात केवल बेंगलुरु की नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में और मुरादाबाद में भी इसकी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है जिसकी खबर हम खुद चला चुके हैं। तो आपको धर्म से दूर किया जाता है केवल स्कूल और स्कूल में पढ़ने और एडमिशन के लिए, ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है। खुराना जी, इसके अतिरिक्त मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा जो अभी बिल्कुल आधुनिक युग की है। 1999 में पोप जब भारत आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहली सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 वर्ष पहले वो यूरोप को हमने क्रॉस वहां पे बिठाया, दूसरी शताब्दी सहस्त्राब्दी में हमने अमेरिका और अफ्रीका वहां पर हमने क्रॉस मतलब क्रिश्चियन किया, और तीसरी जो सहस्त्राब्दी है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इस महाद्वीप में ईसाइयत का झंडा फहराएंगे। बिल्कुल, तो ये वो तो अभी 1999 में वो भारत में आके बोला। सबसे बड़ी बात ये है कि दिवाली के दिन वो हमारे हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मार कर जाता है दिवाली के दिन, और भारत में ही दिल्ली में ही वो पर उसी दिन मैंने बोला था कि पोप जिस अहंकार के वशीभूत तुम ये बात बोल रहे हो, ईसाइयत के जो अधर्म है उसकी कब्र हिंदुस्तान में खुदेगी और आज से दिल्ली में इसकी कब्र के पास चलते हैं, उनकी बात लेते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, ऐसा है कि भी मैं एक फिर से ये जरिए बात कहना चाहता हूँ, गिरा हमें इस बात का नहीं कि वो बेवफा निकले, गिरा है तो केवल इस बात का कि अपने गैर और गैर अपने निकले। अफसोस इस बात का है कि जितने मुसलमान यहाँ विदेशी राजाओं के अंग्रेजों के और मुसलमानों के राजे बने उससे ज्यादा तो आजादी के बाद बन गए। बिल्कुल, धन्यवाद। आजादी के बाद ही संख्या को, और खास करके 2011 की जो जनगणना है इसमें कहा गया है कि अप्रत्याशित तौर पर क्रिश्चनों की आबादी भारत में बढ़ी है। जितेंद्र खुराना जी, क्या कारण मानते हैं आप इसके, खास करके इतने बड़े अप्रत्याशित तौर पर इसकी बढ़ने के? मैंने जो अपना अध्ययन करा है मैंने इसमें इनको तीन कैटेगरी में डिफाइन करके मैं देखता हूँ। पहला, ये जो भारत में गरीबी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता एक बहुत बड़ा कारण बनती है। छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश और दूसरे कई अन्य जो दक्षिण भारत में और मध्य भारत में जो राज्य हैं वो बड़ी आवश्यकता बनती है। दूसरा एक कारण मैंने ये देखा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो भारत, जो हमारे हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं और भगवान हैं उनके बारे में मिथक विचार बहुत करते हैं, उनको उनका अपमान करने में 2008 या 2009 में एक पुस्तक थी सत्य दर्शनी, वो पेंटाकोस्टल चर्च ने उसका प्रचार किया और वो फ्री बांटी गई। उसमें साफ लिखा था कि जो हिंदुओं के त्रिदेव हैं विष्णु ब्रह्मा और महेश ये तीनों मोह और क्रोध लस्ट और एंगर में ये खुद ही डूबे हुए हैं, ये खुद सिन कर रहे हैं यानी कि ये पाप कर रहे हैं और ये पापी हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश सत्य दर्शनी में स्पष्ट लिखा था कि जब ये पापी हैं तो ये हिंदुओं के पाप कैसे धो सकते हैं, हिंदुओं को कुछ और चाहिए और हमारे पाप तो सिन तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही जो है वही कर सकते हैं। इस पाप धोने की श्रृंखला में मैं एक और बात बताना चाहूँगा। अभी भी मैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले मोबाइल पे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर वसंत राव, ये हरिद्वार में रहता है और संस्कृत में वेदों के श्लोक बताकर ये लोगों को बोलता है कि पाप धोना है तो गंगा नहीं बल्कि चर्च सबसे बड़ा स्थान है। इसकी खबर है जिसके आधार पर ये मैं आपको खबर के आधार पर इसको बता रहा हूँ। मैं कार्यक्रम के बाद इसको फेसबुक पर ट्विटर पर ट्वीट भी कर दूंगा। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए धर्मांतरण का। मैं आपको साफ कर दूं कि किसी के भी पवित्र धार्मिक भावना और धार्मिक मान्यता पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उसके विकृत स्वरूप को एक्सपोज करना चाहते हैं, दंगा करना चाहते हैं, दुनिया के सामने खोल कर दिखाना चाहते हैं और इसलिए धर्म के इस विकृत रूप को हम आपके सामने लेकर आए हैं। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
हेलो बोलिए। जय हिंद सर। हाँ राजस्थान से चूरू से डॉक्टर दिनेश गौतम निवेदन कर रहा हूँ सर। बोलिए सर। आज जो मुद्दा चल रहा है धर्म परिवर्तन का, हाँ, और काफी तीन चार दिन से लगभग ज्यादा से ज्यादा चैनल इस पे मातम मना रहे हैं, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ भी वो आ रहे हैं जो मातमी है, मतलब भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं इस बारे में मातम बनाने के लिए। कोई ये पहली बार नहीं हुआ, हजारों सालों से परिवर्तन हो रहा है, और जो लोग परिवर्तित हो गए इस धर्म में आए थे वो अपने आप को इस धर्म में ठगा महसूस करते हैं, और अब वो वापस अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो पता नहीं मीडिया को क्या हो गया। और इसके अलावा आप देख रहे हो कि बार बार एक ही चर्चा हो रही है कि दो दिन तक तो धर्म परिवर्तन की चर्चा रही, तीसरे दिन मतलब एक विजय श्री सी हासिल हुई कि बांग्लादेश इसमें धर्म परिवर्तित हो गए, तो भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है भाई। पूरा विश्व को अगर कोई हिंदू धर्म अपनाना चाहे तो किसी को क्या आपत्ति। और खुराना जी, इस विषय में हम आगे बढ़ते हुए कई ऐसे उदाहरण को भी देखते हैं, खास करके मीडिया में जिसकी चर्चा नहीं होती। अभी मैं फेसबुक पर जब सुदर्शन की इस पोस्ट को डाला कि कार्यक्रम ऐसा करने जा रहे, तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जबकि लैंगिक शोषण सबसे ज़्यादा चर्च में होता है और जिसके लिए पोप माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन भारत के किसी टीवी चैनल पर या किसी छोटे से अखबार में भी चर्च के शोषण की खबर नहीं आती और हिंदू साधु को केवल आरोप के आधार पर बदनाम किया जाता है। देखिए पोप ने ये माना था अभी कुछ समय पहले, एक दो महीने पहले, 2% जो उनके ईसाई पादरी हैं वो बच्चों के जो अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपी हैं, ये पोप ने माना था। और ऐसे अनगिनत या सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, भारत में मिल जाएंगे, बाहर मिल जाएंगे कि ऐसे बलात्कार तक हुए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अभी एक क्रिश्चियन पादरी को पकड़ा गया, उसके लैपटॉप से उसके कंप्यूटर से 20,000 के आसपास संभोग करते हुए ऐसे चित्र पाए गए और ऐसे वीडियोस पाए गए। तो ये पादरी पौर फिल्म पाई। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं ये पता चलेगा कि हिंदू संस्कृति या विदेशी संस्कृति में क्या अंतर है। जब उनके यहाँ विवाह होता है तो मैंने फिल्मों में देखा है, वैसे भी देखा है, तो पादरी साहब खुद ही कहते हैं नाउ यू मे किस द ब्राइड, अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। हाँ। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हिंदू विवाहों में शादी और पंडित जी फेरे कराने के बाद कहेंगे आप अपने पत्नी को चूम लीजिए? अगर ऐसा एक पंडित हमारे यहाँ ऐसा कोई घटना हो जाए तो आप लगा लीजिए हिंदू संतों की मीडिया क्या दुर्गति करेगा। तो ये हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये सोच भी नहीं सकते। तो ये अंतर है, ये उनकी संस्कृति है, मैं उसका कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं अंतर बता रहा हूँ, ये वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, ये अंतर है। मुकेश जी देखिए, ये मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू संतों को बदनाम किया जा रहा है, आसाराम बापूजी को, जबकि और दूसरे भी जितने साधु संत हैं उनके ऊपर झूठे मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। जोधपुर की जो लड़की कहती है कि मेरे साथ बापूजी ने मतलब जिस प्रकार से जैसे ही कोई क्रिश्चियनिटी के काम में बाधा बनने की कोशिश हाँ, करता है बापूजी का काम में होता है। और ऐसे तमाम उदाहरण, ये तो रिसेंट के उदाहरण है, अगर आप इसको डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मीडिया जो हाथ में आया था वो मीडिया उन लोगों के हाथ में पहले आया जो विदेश से आने वाले शक्तियों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किए गए थे, और इसी का परिणाम था। हाँ बोलिए खुराना जी। विदेश का पैसा ही मीडिया, काफी मीडिया जो है वो विदेशी पैसे से चल रहे हैं, CIA के पैसे से चल रहे हैं, अमेरिका के पैसे से चल रहे हैं, और मीडिया और मतलब ये लोग चाहते हैं कि भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, भारत को नष्ट कर दिया जाए, ये बड़ी साजिश है। और केवल टीवी चैनल ही नहीं, समाचार चैनल ही नहीं, मनोरंजन के चैनल और खास करके फिल्मों के द्वारा सबसे ज्यादा ईसाइत का प्रचार होता है। खुराना जी, ईसाइत का प्रचार मैंने आपको बताया था, इसमें तीन जो मैंने अनुभव किए, दो मैंने बताए, एक तीसरा मैं आपको ये कहूंगा कि जो ईसाइयों की जनसंख्या 2001 में 2.3% थी, हाँ, 2011 के जब UPA गवर्नमेंट थी उन्होंने धर्म के आधार पर हमारी जनसंख्या जो है वो उसको उसके आंकड़े बाहर नहीं आए, तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि वो जनसंख्या लगभग 5% है, 5.1% के आसपास आएगी, 2.3 से 5% तक, ये डबल इतना नहीं होता, 30%, 40% लगभग 10 साल में ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, ये इसका, बच्चे इसका, इसका, इसके थ्योरी है, इसके थ्योरी है जो क्रिश्चियनिटी ने ही, खास करके यूरोपियन इटालियन क्रिश्चियनिटी ने जिसको ज्यादा लोगों के सामने लाया, और थ्योरी ये है कि जो शासक होता है, शासक का धर्म प्रजा का धर्म होता है, राजा का धर्म प्रजा का धर्म होता है, ये थ्योरी लाई जाती है। शासक का धर्म जो था वो था कि जितने भी मुख्यमंत्री बनाने हैं, चाहे YS राजशेखर रेड्डी बनाना है,
चाहे अजीत जोगी बनाना है, जितने भी, या आपका केरल का मुख्यमंत्री बनाना, उसका शासक सोनिया गांधी का एक ही धर्म था कि वो ईसाई होना चाहिए, बाकी उसको, या चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन बनाना हो, मतलब पूरा ईसाइयत का आतंक चल रहा था एक तरह से पिछले राज में, किंतु खुशी की बात है कि अब राज बदला है। और मेरी एक मांग है यहाँ पर, मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और अभी जी की, अभी जो भाजपा की सरकार है, अगर वो इस देश का भला चाहते हैं और जो बहुसंख्यक का भला चाहते हैं, तो सबसे पहले वो 2011 के जो धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े हैं वो जारी करें। अगर वो जारी, आज 3 साल हो गए हैं, उसको क्या जरूरत है उसको दबा के रखने की। बिल्कुल, आप पॉलिसी, आप माइनॉरिटीज के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जब आपको माइनॉरिटी की जनसंख्या नहीं पता तो आप पॉलिसी कैसे बना लेते हैं? बिल्कुल, कैसे 3%, अगर आपके आंकड़े कहते हैं 4% ईसाइयों के पास 20% शिक्षा का कंट्रोल है, कैसे है वो? क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज को अपनी शिक्षा के, अपनी इच्छा के शैक्षणिक संस्थान खोलने की इच्छा आज्ञा देता है। मुसलमान कुरान पढ़ा सकते हैं अपने इच्छा के स्कूल खोल करके, मदरसे खोल करके, ईसाई बाइबल पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदू वेद नहीं पढ़ा सकते, हिंदू वेद गीता ये सब पढ़ा नहीं सकते, अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि योगा को भी ऑब्जेक्शन लिया जाता है, योगा को, तंत्र मंत्र को, जो जितने भी धार्मिक प्रक्रिया हिंदू की, उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई जा रही है। चलिए कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं कानपुर से आलोक शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ। एक बार जब मैंने एक मिशनरी बड़े टीचर से बात की, तो उन्होंने मुझे शुक्रवार को होने वाली एक धार्मिक सभा में आने के लिए कहा। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा वहाँ क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ धर्मशास्त्र की बातें होती है और शंकाओं का निवारण किया जाता है। हाँ। समझ गया, मैं समझ गया कि ये मूर्ख मुझे और तरीके से समझ रहा है। खैर, मैंने वहाँ पर तो गया नहीं, लेकिन मैंने जिज्ञासावश कुछ धर्मांतरित ईसाइयों से मिला, तो पता चला कि ये लोग विभिन्न तबके के लोगों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनका ब्रेनवॉश करके उनको ईसाई बनाते हैं। इनमें से एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जब उससे पूछा कि तुम ईसाई क्यों बने, तो उसने बताया कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव है तथा अनुसूचित जातियों की तो हमेशा से बेइज्जती हुई है। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, तो उसने बताया कि इस धर्मशास्त्र में लिखा है और फादर ने मुझे बताया। तो मैंने उससे कहा कि तुमने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ रोमन कैथोलिक के बीच में क्या होता है, गोरे कालों के बीच में कैसा भेदभाव होता है, उनके यहाँ तो काले लोगों को जिंदा जलाने जैसा क्रूर अत्याचार तक होता आया है, तुम भी वाले हो, तुम्हें आगे चलकर ये लोग कैसा व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे। और हिंदू धर्म में यहाँ तो प्राचीन काल में शबरी और विदुर आदि निम्न जात के थे, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण ने उनका सर्वोच्च सम्मान बढ़ाया और आजकल आरक्षण के नाम से उनका सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल, जो भारत में भेद की जहाँ पर उंगली डालने की संभावना है वहां पर हाथ डालकर फाड़ने का काम किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में भारत और आशिया से जाकर रहने वाले और अफ्रीका से जाकर रहने वाले लोगों ने अपने चर्चेस को अलग बनाया, क्योंकि जो मूलतः क्रिश्चियन के चर्चेस हैं वहाँ पर उनको वो सम्मान नहीं मिलता, या सम्मान तो छोड़िए बराबरी का दर्जा नहीं मिलता जो यूरोपियन या ब्रिटेन के लोगों को मिलता है, अमेरिकन लोगों को मिलता है, वो आशिया से और भारत से आने वाले लोगों को नहीं मिलता। इसलिए वहाँ पर जाकर बसे क्रिश्चियनों ने अपने चर्चेस को बदला और उसमें से 13 चर्चेस ने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि ये सम्मान तो मिलना ही नहीं है, तो लाचारी का धर्म जीने से क्या फ़ायदा। तो 13 चर्चेस ने 2009 तक की ये घटनाएं, 5 से लेकर 9 तक 13 चर्चेस ने वहां श्री कृष्ण का मंदिर बनाया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सत्य सत्य, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये धर्म परिवर्तन जो है सर, जाकिर नायक काम करता है सर, उसकी कोई मीडिया वाले जो है उसकी बात नहीं करते सर। आखिर समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पे क्या इतना बड़ा ब्लाइंड मिस्टेक हो गया कि सुबह शाम मीडिया वाले खाली हिंदुइज्म को लिखाते रहते हैं। अच्छा, क्या बात है देश में आता कि कोई भी मीडिया वाले जो है इस बात को आगे नहीं लाते, बल्कि उसी को धकेलना चाह रहे हैं सर। बस केवल सुदर्शन न्यूज और सब ऐसा करे, इसलिए हम खड़े हैं। हम तो सत्य का साथ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सत्य की विजय होती है ये कहा जाता है। टीआरपी भले ही झूठ की बढ़ती हो, लेकिन विजय सत्य की होती है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी बोलिए। हाँ जी, हम राजस्थान बालोतरा जसौल से बोल रहे हैं। बोलिए। बालोतरा जसौल से बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले लोगों ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार करवा दिया हिंदू बदल के, फिर उसके बाद में क्रिश्चियंस बनवा दिया,
और आज है जो मुसलमान बना रहे हैं, तो हमारे नेता लोकसभा और विधानसभा में बैठ के क्या करें? क्यों हिंदू नेता को इतना ज्ञान नहीं है? यदि थोड़ा दिनों के बाद में हमारा अल्पसंख्यक बन जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, यदि अल्पसंख्यक बन जाए तो हमारा हम कैसे जिएंगे? धन्यवाद खुराना जी। एक बात इस कॉलर के बहाने मुझे याद आई कि ईसाई जो लोक नेता होता है, सांसद हो, विधायक हो या जो भी हो, वो खड़े होकर ये कहता है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ। मुसलमान का सांसद खड़ा होता है, मंत्री खड़ा हो सकता है या जो भी आप उसको कुछ भी बनाए, वो कहता है मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं इनका नेता हूँ, उनकी बात करता है। लेकिन जो हिंदू है वो हिंदू होने का अपने आप का उच्चारण नहीं करता, क्यों? हिंदुओं के विषय में और हिंदू नेताओं के विषय में एक अंग्रेजी कहावत प्रचलित है, आस्क टू बेंड स्टार्टेड क्रॉलिंग, मतलब हिंदुओं को थोड़ा सा झुकने के लिए कहा जाता है, वो झुकने नहीं है, वो उल्टा रेंगने लग जाते हैं, ये हालत हो जाती है, वो पूरा दंडवत होकर लेटने लग जाते हैं, मतलब सिर्फ कहने, मुंह से बोलने की बात होती है। तो ये अपना स्वाभिमान जो हमने पिछले कई दशकों में या शताब्दियों में हमने गवाया है, मेरा ये मानना है कि हमें, जिसे कहते हैं ना चमड़ी को मोटी करना, हमें वो मोटा करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ जिंदा करना पड़ेगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आने वाले एक वर्ष में मैं कई अल्पसंख्यक कह लें या कुछ भी कह लें, उनकी नज़रों में मैं बहुत एक बदनाम व्यक्ति बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं साफ बोलने वाला हूँ। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारे मदर टेरेसा को कितना सम्मान दिया जाता है, लेकिन मेरी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मदर टेरेसा के ऊपर जो रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है, उनका एक रिसर्च निकल के आता है कि मदर टेरेसा ने भारत में ईसाइयत का ही प्रचार किया, इस पे आता है, तो उनको भारत रत्न भी दिया गया। मेरा सिर्फ निवेदन है, मैं अभी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की जाँच हो कि मदर टेरेसा ने गरीबों का उत्थान किया या उन्होंने इसकी आड़ में कुछ और काम किए। मैं आपको बता, मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस एक पुस्तक है क्रिस्टल, हम उसको डिटेल में लेंगे, लेकिन एक बात तो है कि भारत ने पहले भारत रत्न दिया, लेकिन मरने के बाद भी चर्च ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के लिए उनके चमत्कारों की बात की। ये और भी कई ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे है जिसको इतिहास या सत्य के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलचाल, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में आपकी प्रतिक्रिया भी, जो हमेशा की तरह बिंदास के रूप में आप देते हैं, वो भी हम ले रहे हैं। आप हमें टेलीफोन के साथ साथ स्काइप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं और आप अपनी सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया भी हमारे फेसबुक ट्विटर के अकाउंट पर देके हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम चैनल और वेबसाइट दोनों जगह पर चलाएंगे। हम आपको दिखाते हैं एक पैकेज जिसमें कैसे धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया की जाती है। हिंदुओं की घर वापसी को लेकर जो सियासी बवाल मचा वो सब जानते हैं, लेकिन ईसाई स्कूलों और मशीनरी की आड़ में जो धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा है वो सब कुछ किसी को नहीं दिखता है। भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन जिस तरह भारत में जितनी तेजी से ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है उससे देख कर तो यही लगता है ईसाई मिशनरी भारत में भी जोर शोर से काम कर रही है। अनुयायियों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया भर में ईसाई सबसे बड़ा, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम दूसरे स्थान पर है। हिंदू धर्मावलंबियों की 97% संख्या भारत, नेपाल और मॉरिशस में रहती है। दुनिया भर में 2.2 अरब ईसाई यानी विश्व जनसंख्या का 32%, 1.6 अरब मुस्लिम यानी 23%, 1 अरब हिंदू यानी 15%, करीब 50 करोड़ बौद्ध 7% हैं। ये आंकड़े 2010 के हैं, उसके बाद से लगातार इसमें इजाफा ही हुआ है।
भारत में ईसाइयों की बात करें तो 2001 में जनगणना के मुताबिक भारत में 2.3% ईसाई हैं, यानी भारत में ईसाइयों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2001 के बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है। ईसाइयों की इस बढ़ती आबादी के पीछे क्या राज है वो हम आपको बताते हैं। ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासी बहुल राज्य को अपना टारगेट बनाते हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ के एक गांव से रूबरू कराते हैं जहां पर ईसाई धर्म के अगुवा घर घर जाकर लोगों को बरगलाते हैं और ईसाई धर्म अपनाने को कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पैसे की लालच भी देते हैं। सरना में जो आप लोग धरती माँ की पूजा करते हो उसमें भूत या चुड़ैल शैतान है। हमारे धर्म में आ जाओ, आपको 1000 पैसा दिया जाएगा और शक्ति मतलब मिलेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद तो साफ है कि ईसाई मिशनरियां भारत में धर्मांतरण का खेल कितनी तेजी से आगे बढ़ा रही है। भारत में 7000 ऐसे चर्च हैं जहां हर साल 2.5 मिलियन रुपए इकट्ठे होते हैं। इसके लिए बाहर के देशों से भी फंडिंग होती है। ये सारा पैसा धर्मांतरण के खेल में लगाया जाता है। दलित गरीबों को मुफ्त शिक्षा और पैसे की लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजनीति के ठेकेदारों को ईसाइयों का धर्मांतरण नहीं दिखता? क्यों इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद भाई साहब। क्या कहना है आपको? मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो अभी इंदौर में रहता हूँ। मैं असल में आया हूँ 8 साल पहले पाकिस्तान से। वहाँ हमारे हिंदुओं के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है, जुल्म खुला उसके ऊपर, मतलब लड़कियां उठा के ले जाते हैं, उसको मुसलमान कबूतर देते हैं और कोविड में पेश करते हैं। 10-10 हजार ये गंदो हथियारों के साथ आ जाते हैं। हमारी लड़कियां वहाँ ऐसे मुसलमान। चलिए, हम कॉलर को कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश पटेल, लंदन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, कि 1995 में यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज ने एक मंदिर बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया था गवर्नमेंट में। हाँ, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं, ये तो क्रिश्चियन कंट्री है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि मैं मंदिर इसलिए बनाना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू इस देश में रह रहे वो सही तरीके से हिंदू बने, जो क्रिश्चियन है वो सही मायने में क्रिश्चियन रहे, ठीक है। तो परमिशन दे दिया। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मेरा पर्सनल। एक बार एक क्रिश्चियन मेरे घर आया यहाँ पे लंदन में, और बाइबल वो मुझे गिफ्ट दिया और जीसस की बात किया, वो सब बताया मुझे। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि आप जानते हो मैं हिंदू हूँ और आप क्रिश्चियन हो, मेरा जो धर्म है वो 1000 साल पुराना है और सभी बातें इसके अंदर है, तो आप मुझे बाइबल देके ये सब बात क्यों कर रहे हैं, मुझे कन्वर्ट करना चाहते हैं और क्या है आपका इंटेंशन? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मैं जानता हूँ कि आपका इंटेंशन यही है कि आप मुझे कन्वर्ट करना चाहते हो धीरे धीरे। फिर मैंने उनको बोला कि इस कंट्री में जो भी क्रिश्चियन है, जो भी जितने भी है, क्या आप मानते हो कि वो सही तरीके से अकॉर्डिंग टू बाइबल अपना जीवन जी रहे हैं, सही क्रिश्चियन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि आपको पहले क्या करना चाहिए, जो हिंदू नहीं है उनको बाइबल के बारे में बता के कन्वर्ट करने की ट्राई करना चाहिए, या फिर जो क्रिश्चियन है और सही तरीके क्रिश्चियनिटी नहीं अपना रहे उनको आपको समझा के सही क्रिश्चियन बनाना चाहिए? तो वो चुप हो गया और उसके बाद वो कभी मेरे घर नहीं आया। चलिए, धन्यवाद पटेल जी, बड़े अच्छी हुशियारी की बात आपने की है। यही बात हमारे लोगों को नहीं आती, यही तो दुर्भाग्य है। कुछ हम आपको वीडियो प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं, खास करके रायपुर के इस घटना के बाद और देश के कुछ अन्य घटनाओं के बाद कैसे लोगों की प्रतिक्रिया को भी स्थान मिलना जरूरी है। देखिए, जिस दिन 1 मई को जो घटना घटी उसमें मैं शादी घर में था, तो ग्राम अर्शु ने आके बताया मुझे कि सरनापारा, लोधी गाँव के सरनापारा में चंगाई मिशनरी लोग सभा लगाए हैं, वो मतलब हिंदुओं के धर्म देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, तो वहाँ जा कर देख लेंगे। तो मैं बोला शादी में हूँ, नहीं जा पाऊँगा। फिर बाद में सोचा कि मेरे ना जाने पर हो सकता है मारपीट हो जाए, इसलिए मैं फिर से मतलब सरना पर आ गया। वहाँ जाने पर पता चला कि मेरे को कि जितने भी ईसाई पास्टर बाहर से आए हुए थे उन लोग मतलब हमारे धर्म हिंदुओं के धर्म के प्रति उन लोग देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे,
और बोल रहे थे कि जो सरना धर्म मानते हैं उन लोग सरना में जाके मतलब जो सवारी आता था झुकते हैं और बाल की चोटी में मतलब भूत को नचाते हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। और उन लोग कह रहे थे कि ये जो हम लोग के धर्म में आएगा वो मतलब स्वर्ग में जाएगा और हम लोग के धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, ऐसे करके बोल रहे थे। उस प्रोग्राम में जो हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं को ये मतलब विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वो लोग सरना पूजा करते हैं, वो लोग भूत झुकते हैं उसको बोलते हैं कि भूत को पालते हैं और चोटी जो नहीं रहता है वो चोटी में झुक को झुलाते हैं और पापी सरना धर्म मारने वाले पापी होते हैं, इस टाइप से बोल रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के जो कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं शंकर भगवान पार्वती जी की, तो उसके बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे मूर्ति पूजा करना पाप है, तुम लोग अगरबत्ती सुंघाते हो, अगरबत्ती क्या सुंघता है, वो नारियल फोड़ते हो क्या, प्रसाद खाता है सर। इसी चलते सर हम लोग गए वहाँ पर, पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, उसके बाद में रोकवाल हम लोग करने लगे। उसके बाद में लालसाय नाम का कोई है पास्टर यहीं के, वो उन लोग चले गए बाइक से थाना पुलिस लेने के लिए आए। उसके बाद में हम लोग सोचे कि भागना मना, बोले कि भागना नहीं है, इकट्ठा यहीं पर रहना है। उसके बाद में इकट्ठा हुए, उन लोग आए वहाँ से, फिर दरोगा आके हम लोग को मारने लगे और गाली देने लगे दुनिया भर, तुम लोग इसे रुकाई रोक क्यों रहे हो, ऐसे ऐसे कर मतलब वो ट्रेनिंग करके मतलब 3 साल ट्रेनिंग किया, इसके बाद उन लोगों को प्रलोभन दिया, इसके बाद प्रतापपुर उसको मतलब पास्टर करने के लिए दे दिए हैं और उसको ज़बरदस्ती मतलब मेरे घर से, मेरे घर परिवार कोई नहीं है, उसको ज़बरदस्ती प्रलोभन दे के मतलब पास्टर बना के मतलब ले गए हैं उसको। झूठ बोल के मेरे घर में बोल रहे थे कि हम लोग बीमारी सीमारी को भी चंगाई कर देते हैं। अब मेरे माँ भी बीमारी था, लेकिन मैं 1 महीना मैं उन लोग के पीछा पड़ा, लेकिन वो चंगाई नहीं हुआ। तो मैं बोला कि पास्टर क्यों चंगाई नहीं हो रहा है, तो उन लोग बोले कि हमारे ईसाई धर्म में आओगे इसके बाद तुम्हारे मतलब चंगाई हो जाएगा। मैं बोला कि मेरा पुरखा पूर्वक नहीं हुआ है, मैं नहीं हूँगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी नमस्कार सर, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हो। और सर मैं सर मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सर बहुत से लोग जो है सर लोगों को सर भड़का करके हिंदुओं को सिखों को सर ईसाई बना रहे हैं। और सर ऐसा गलती लोगों की भी है, और क्योंकि वो अपने धर्म में पक्के नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो सिखों ने कितनी कुर्बानी की और सिखों के 9वें गुरु ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी खुद का सिर कटवा दिया। और सर मैं आपसे और सर मैं आपके माध्यम से ये बेनती करना चाहता हूँ कि सर ये बात भी सर आगे लेकर आओ, सिखों ने कैसे हिंदू धर्म को बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र खुराना जी। इस मुद्दे के ऊपर मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं लोकसभा के चुनाव के दौरान देश में जो घूमा तो पंजाब में भी गया था, वहां पर मुझे लोगों ने कहा कि अप्रत्याशित रूप से बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा गति से अगर चर्चेस कहीं पर खुल रहे हैं तो पंजाब में खुल रहे, जबकि वहाँ पर क्रिश्चनों की संख्या बहुत कम है और वहाँ पर धर्म के प्रति कट्टर सिख समुदाय ज़्यादा रहता है। ऐसे में वहाँ पर चर्च ज़्यादा कैसे खुल रहे, और क्या उनके खुलने के इस सिलसिले के साथ वहाँ पर जो नशाखोरी ज़्यादा बढ़ रही है इसका कोई आपस में मेलजोल है क्या? देखिए मैंने इसको थोड़े दिन पहले अध्ययन किया था और मैंने एक मेरे सिख धर्म के लिए काफ़ी काम करते हैं, मैंने उन्हें चेताया भी कि भाई पंजाब में जो धर्मांतरण चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो, ये आपका विषय है और मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ, मेरा विषय भी है। मेरे पास एक न्यूज़ आया, वाल्मीकि समाज ने भी इसका एक चंगाई सभा के पोस्टर को लेकर के हिंदू संगठन भड़क गए थे, वाल्मीकि समाज ने विरोध किया, हिंदू ईसाई संगठनों में कुछ टकराव की स्थिति आ गई कि आप ये चंगाई सभा कर रहे हो, उनको कि चंगाई एक नाम को यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता जब पोप फ्रांसिस ये कहते हैं कि 2% जो है हमारे जो पादरी हैं वो खुद ही पीडोफाइल यानी कि बच्चों के यौन शोषण की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले आप वो 8000 वो गिनती 8000 बनती है उन पादरियों की, वो 8000 पादरियों का दिमाग की तो चंगाई कराएं पहले, वो जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं जो बच्चों का यौन शोषण कर रहे हैं यहाँ बाद में करेंगे। पोप खुद फ्रांस पार्किंसन जिसमें हाथ कांपते हैं
चलिए वो तो ठीक है, बीमारी के बारे में तो सबको ये होता है, लेकिन उसका जो दावा जिस प्रकार से किया जाता है, खास करके मैं एक अंधश्रद्धा के विषय में बोलना चाहूँगा कि भारत में मीडिया से लेकर तमाम जो प्रोग्रेसिव अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो अंधश्रद्धा के खिलाफ, हमारे अच्छे अच्छे साइंटिफिक पूजा के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भूत उतारने वाली बात को लेकर जो बाइबल में इतना बड़ा विश्लेषण किया गया है उसके शैतान की प्रक्रिया पर कुछ नहीं बोलते। अपीजमेंट है ना हमारा मीडिया कितना, देखिए आप, मैं अभी का देखिए, मैं अभी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आशुतोष महाराज जी की समाधि का विषय चल रहा है, एक हिंदू संत जो हिलने डुलने की स्थिति में नहीं है, सांस लेने की स्थिति में नहीं है, डीप फ्रीजर में पड़ा है, लेकिन उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब पता चलता है कि एक पादरी ने केरल में किसी का बलात्कार कर दिया, उसका कहीं ध्यान, वो मतलब जो हिल नहीं सकता हिंदू संत उसके पीछे डिबेट चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो होता है इस पे भी ध्यान दीजिए ना आप, समान दृष्टि से देखिए आप, तो ये जो माइनॉरिटी अबीजमेंट है। चलिए हम बचे हुए समय में जरा कारण परिणाम उपाय इस दिशा में चर्चा करना चाहेंगे, आखिर ये सब कुछ होता है, इसके पीछे के कारणों को प्रमुखता से आप क्या देखते हैं? कुरान जी चाहता हूँ, देखिए वो जो कर रहे हैं हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है। इस विषय को एक घंटे की डिबेट में नहीं, मैंने इसमें काफी ठीक ठाक अध्ययन किया है। इसमें मैक्स म्यूलर ने 1848 में एक आर्यन थ्योरी दी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जो रूपांतरण आज चलते आ रहे हैं, ठीक है, मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ, जो दलित समाज और जो पिछड़ा समाज है वो ज्योतिराव फुले जी को अपना एक उद्धारक मानता है, ये पुस्तक गुलामगिरी ये पुस्तक है, ज्योतिराव फुले जी ने ये पुस्तक लिखी और ये सम्यक प्रकाशन जो है ये मैंने वहां से पुस्तक ली। मैं 140 वर्ष में मेरे ख्याल से मैं शायद ये पहला व्यक्ति होगा, औरों में करा होगा, लेकिन मैं ये पुस्तक यहाँ दिखा रहा हूँ। इस पुस्तक को आप देखिए, हर पुस्तक में हिंदू भगवानों के बारे में क्या कहा गया, ज्योतिराव फुले की इतने संगठनों में लिखा जाता है, मैं आपको एक दो तीन बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, जरा कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर, नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये धर्मांतरण तो बहुत साल से हो रहा है, जब से मुगल आए चाहे अंग्रेज आए थे, लेकिन अभी जो देश में हो रहा है, उसके लिए अगर हम रोक उसके कारण को पता करेंगे कि क्यों हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ श्री जी नमस्कार, बोलिए। हाँ दीपक, मेरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, 250 साल पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए और भारत में आके अपना कब्जा कर लिया। अब उनको भारत में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के अंदर ही अंग्रेज बनाए जा रहे हैं, और इनका यही रखा गया कि भी यहाँ जितनी ज्यादा ईसाइयत ज्यादा फैलेगी उतना ही ज्यादा इनके ऊपर कब्जा होगा। यहाँ पर मदर टीसा बाहर से आई और यहाँ पे उन्होंने ईसाइयत का खूब उन्होंने प्रचार किया, इसके लिए उनके लिए पीछे पीछे मीडिया घूमता है, कैमरा घूमता है और उनको सम्मानित किया जाता है नोबेल प्राइज से और भारत रत्न से, इस तरह से। लेकिन इसके दूसरी तरफ हम देखें अगर कि भारत के ही जो संत समाज हमारा है, इसी चीज को जागृत करने के लिए, हिंदुओं के अंदर जागृति पैदा करने के लिए जगह जगह प्रचार करते हैं और उसी को ईसाइयत अपना विद्रोह मानती है, अपने दुश्मन मानती है, उनके अगेंस्ट इस तरह की जाल फैला लेती है कि उनको कब्जे में करके उनको उनके ऊपर इल्जाम लगा के उनको कैसे भी प्रताड़ना की जाती है, जेलों में डाल दिया जाता है और हमारी ही सरकार, हमारे ही संसद में जो नेता बैठे हुए हैं इसके अंदर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है ये बताइए। बिल्कुल धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ जो पैनल में गेस्ट है उनके पास भी जाऊंगा। खुराना जी और मुकेश जैन जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, क्या कारण है, इस पर हम एक एक लाइन में अगर नजर डालें तो, जो हिंदू धर्म में कुछ लोग अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता की बात करते हैं, ये भी एक बड़ा कारण नहीं है जो अपनों को दूर कराता है? देखिए, ना तो हिंदू धर्म में कुछ स्वस्तर सुचिता पवित्रता तो है, किंतु अंग्रेजों ने जब हम अंग्रेजों का जो अधर्म है वो सिखाता है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, ये बाइबिल में लिखा है, उसके मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। अमेरिका के 10 करोड़ रेड इंडियनों को और ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ मियामी आदिवासियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने प्लेग फैलाकर, महामारियां फैलाकर मारा। हम हिंदुस्तानियों को भी इन्होंने प्लेग फैलाकर मारना चाहा, दो बार प्लेग फैलाया
और उस प्लेग फैलाने का परिणाम ये हुआ कि 12 करोड़ हिंदुस्तानी उस प्लेग में मारे गए, किंतु हमारी जो स्वच्छता थी, शुचिता थी, पवित्रता थी, उसके कारण हम लोग उस महामारी को काबू कर पाए और हम लोग ज्यादा बिल्कुल नहीं धन्यवाद नहीं मरे। और अर्थात ये तो कुछ फैलाई गई ऐसी चीजें हैं जो धर्म के जो गलत परंपराएं भी किसी कारण से या किसी आक्रमणकारियों के लंबे यहाँ पर रहने के कारण भी आई हो। धर्म में कभी भी ये अनटचेबिलिटी की बात नहीं की गई, बल्कि जब सबसे ज़्यादा साधु संतों की बात अगर होती है, जो कि उनका धर्म नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिसको दूसरे धर्म के दुष्प्रचार में दलित या पिछड़े वर्ग के कहते हैं, वहाँ से ही आने वाले साधु संतों की संख्या सबसे ज़्यादा है जिन्होंने धर्म के काम को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाए। परिणाम पर नजर डालते हैं तो खुराना जी, इस पूरे धर्मांतरण के परिणामों में क्या प्रमुख परिणाम आपको दिखते हैं जो परिणाम देश, समाज और मनुष्य जाति के हित में नहीं है? देखिए, मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अनटचेबिलिटी की बात आती है, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग उन अंग्रेज अनुवादकों का है जिन्होंने वेदों का रूपांतरण किया। बिल्कुल। और ऐसा टूटा फूटा रूपांतरण किया, जबकि हमारे वेदों का मैं एक पढ़ रहा था, एक 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 जहाँ पर एक हमारा यहाँ ऋषि कहते हैं कि हमारी गति सूर्य की तरह होनी चाहिए, वो उसको अंग्रेजी ने लिखा हुआ कि हमारी गति घोड़े की तरह होनी चाहिए। तो ये रूपांतरण है। अगर मैं वो तो जानबूझ के भी किया गया है, डिस्टॉर्शंस हैं। और वेद हमेशा, वेदों में मैं कोट कर सकता हूँ, सब जगह लिखा है कि सभी एक साथ बैठें, एक साथ पूजा करें, एक साथ खाएं, एक साथ पिएं। इसमें अनटचेबिलिटी है ही नहीं। और महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट ये भी लिखा है कि कभी हिंदू ग्रंथों में वेद के साथ किसी अन्य ग्रंथ का कोई द्वंद हो तो उस स्थिति में वेदों को माना जाएगा। मनुस्मृति को कोट किया जाता है, मनुस्मृति का छदम मैं 100% कह रहा हूं कि ये मैं ही तोड़ूंगा। मनुस्मृति में क्या डिस्टॉर्शन किए गए, मनुस्मृति में क्या झोलबल किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा छुआछूत इस समय अंग्रेज मान रहे हैं। एक सुई को जो 1000 लोग लगाई जा सकती है और उस सुई का सदुपयोग किया जा सकता है। चलिए, वो तो हम अधूरी बात न कहें, अनसाइंटिफिक बात न कहें। वो हमारा ये देखिए जो हमारी गलती है, मेरा देखिए मैं क्या, हमारा हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे समाज में आज जो कमियां हैं हमें उन्हें स्वीकारना पड़ेगा। ऐसे अनगिनत उदाहरण आते हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी, जहाँ पे पिछड़े वर्ग को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। ये हमारी गलती है। बिल्कुल, ये हमारे समाज की कमी है और हम उसके लिए भुगत रहे हैं। हम यहाँ तो दोष बना रहे हैं, हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। राजस्व वाला स्त्री है या यो कोई मुर्दे को छू रहा है। अब हम टाइम कम है इसलिए अधूरी बात को नहीं करेंगे, क्योंकि किसी अधूरी बात से पूरा संदेश नहीं जा सकता। लेकिन इस विषय पर भी अलग से हिंदू धर्म की और इतनी बड़ी परंपरा की बात करने वाले लोगों को अपनी बात को कहना होगा। एक कॉलर आखिरी लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम के आखिर की तरफ चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। पहली बात तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ। कि हमारे राजस्थान के अंदर, हाँ सुरेश जी, जय हिंद सर। पहली बात तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर मेरा तो राउत दो कास्ट है, मेरा तो राउत दो कास्ट है। चलिए धन्यवाद। कॉलर को कहूंगा कि अपना खुद का आवाज तुरंत सुनने के मोह में आप विषय को पूरा रख नहीं पाते, इसका ध्यान रखिए। कार्यक्रम के आखिर में तो मैं यही कहूंगा कि हमारा एक प्रयास था कि क्या सच्चाई है, या जिसको 360 डिग्री कहा जाए, या जिसको पूर्ण सत्य कहा जाए, इसको दिखाया जाए। मीडिया में होने वाले या पेपर में लिखकर आने वाले या चौराहे पर होने वाले चर्चा में जब एक ही पक्ष सामने रखा जाएगा और दूसरे और खास करके सत्य के पक्ष को नहीं रखा जाएगा तो बात पूरी नहीं पहुंचेगी, भ्रम पहुंचेगा। और दुनिया में कई ऐसे अर्थ के विषय है, या अर्थशास्त्र है, या सत्ता शास्त्र है, या व्यापार शास्त्र है, जो धर्म के द्वारा पहुंचाया जाता है और जिसके द्वारा भ्रम फैलाना और भ्रम के लिए धर्म परिवर्तित करने की थ्योरी मांडी जाती है। और ये थ्योरी से ही दुनिया के तमाम देशों में धर्मांतरण की लंबी प्रक्रिया सालों से, हजारों सालों से चलने की बात भी आगे आती है। इसके तमाम उदाहरण हम अपने साइट पर, इंटरनेट पर रिसर्च के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कि 3 दिन लगातार इसी विषय पर बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए। वैसे कार्यक्रम 3 दिन करने के बाद मैं भी पूरा समाधानी नहीं हूं कि मैं पूरा विषय आपके सामने रख पाया। इसे एक लंबे सीरीज के साथ
विभिन्न मुद्दे तर्क और रेफरेंसेस के साथ लाना जरूरी है, वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हमने इस विषय पर यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि हमने तीन दिन जो विषय कहा था उसको हमने पूरा किया। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आए। आप करोड़ों दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। दोबारा ये कहता हूँ कि हमें किसी धर्म की मान्यता, श्रद्धा या आस्था पे कोई ठेस नहीं पहुँचानी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में तमाम मान्यताओं को प्रणाम किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन अपनी मान्यता सर्वश्रेष्ठ है ऐसा कहने का भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे की मान्यता को गलत ठहराने को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, और कम से कम ये पीढ़ी तो इसको स्वीकार नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।